चूंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए, जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटर्न परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म्स था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशंस जो ले की गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर्स है, जो उनके वरिष्ठ लीडर्स थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हरेक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चलें ताकि वे अपने जत्थे को कंट्रोल कर सकें। 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए। और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जब रिटर्न परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें वो को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनके उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शन पाल सिंह वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीक्रीप से भी 8:30 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था, तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे लेकिन
पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपने बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे, ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हैं हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है पुलिस की, 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह, 30 पुलिस की गाड़ियां जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिस कर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। सभी जो रास्तों से जो किसान लाल किले तक पहुंचे, वे रेड फोर्ट के जो रैंपर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले, उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी।